वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान लो। आज हम बात करेंगे पीएच सॉल्यूशन की। पीएच सॉल्यूशन ही हमारा लास्ट टॉपिक में भी हमने किया था और आज भी हम वही कर रहे हैं। हमने स्ट्रेंथ की थी, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले है, तीन फॉर्म में इसे लिया जाता है, तो या तो एसिडिक होगा, या बेसिक होगा, या न्यूट्रल होगा। अगर पीएच क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब कि वो सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। जैसे कि प्योर वाटर का पीएच जो होता है वो होता है 7, प्योर वाटर का पीएच, ठीक है। जो यानी कि न्यूट्रल वाटर में H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। अब देखिए इसमें क्या है, जो H3O पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, 10^-7, 10^-3 pH लिखते हैं ना, तो 10^-7। और ऐसे ही जो OH नेगेटिव है वो भी क्या होगा, 10^-7, ठीक है ना, किस पे, 298 केल्विन टेम्परेचर पे। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, जो पीएच को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस लॉग H3O पॉजिटिव, एंड ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टॉपिक में भी ये किया था, मैं आपको लास्ट टॉपिक शो कर देती हूँ मोल पर लीटर में, ठीक है। जो पीएच को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए, माइनस लॉग 10 H पॉजिटिव मोल पर लीटर, हमने यही चीज ली है इसमें, ठीक है ना, यही फॉर्मूला हमने इसमें लगाया है। अब H3O पॉजिटिव क्या है, ठीक है ना, इसको हम लेते हैं 1.0 × 10^-7, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये क्या होगा, माइनस लॉग 1.0 × 10^-7, यानी इज इक्वल टू 7 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो pH न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि प्योर वाटर की बात, न्यूट्रल सॉल्यूशन जिसका पीएच क्या होता है, 7 होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब एक तो ये तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात हो गई, अब पीएच या तो एसिडिक इन नेचर होगा या बेसिक इन नेचर होगा, ये भी तो हो सकता है। ये तो हमने किया है न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, अगर हमारा पीएच क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, पीएच क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, इस कंडीशन में क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा। देखिए मैं पीएच स्केल से आपको रिप्रेजेंट करती हूँ, हमने पीएच स्केल लास्ट टॉपिक में बनाया था, उसी स्केल को हम लेकर चलेंगे। तो बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा ये देखते हैं हम। जिस सब्सटेंस का पीएच 7 से ज़्यादा होगा, 7 यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो वो जो होंगे वो बेसिक होंगे, ठीक है ना। अब हम इस ग्राफ में, इस जो हमें डायग्राम बनाया है, 7 से मूव करते हैं राइट साइड पे, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस आते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे आगे मूव करते जाएंगे। तो यही चीज हम देखेंगे, यानी कि 7 से ज़्यादा, तो पीएच कहाँ, 7 से 14 तक हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिस के लिए, बेसिक के लिए, बेसिक क्या होते हैं, अल्कलाइन भी होते हैं, इनका पीएच 7 to 14 होगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम चार्ट में 7 to 14 की तरफ मूव करेंगे, वैसे ही बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेंगी, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम 12 की बात करें, पीएच वैल्यू 12 की बात करें, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अब देखिए 7 to 9 तक वो क्या होते हैं, वीक बेस, ठीक है ना। 10 to 12 तक वो क्या होते हैं, मॉडरेटली बेसिक्स, ठीक है ना, और बेसिस होते हैं। नेक्स्ट है 12 to 14 तक, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं,
ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे सेवन से नाइन ये क्या है वीक बेस, 9 से 12 ये क्या है मॉडरेट बेस, और उसके बाद 14 तक ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये तो होते हैं बेसिस। अगर हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पीएच की, एसिडिक सॉल्यूशन की। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा, एसिड जिसका पीएच क्या होगा 0 से 7 के बीच में होगा। जैसे जैसे हम यही चार्ट लेते हैं 0 से 7 के बीच में, जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, जो एसिड की स्ट्रेंथ है ठीक है ना, वो जो स्ट्रोंग एसिड है वो इंक्रीज करेंगे, यानी कि यहाँ पे एसिड्स इंक्रीज करने लग जाएंगे। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 0 से 2 ये क्या होते हैं, 0 से 2 जो कि स्ट्रोंग एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट 2 से 5, 2 से 5 या 4 ये क्या होते हैं मॉडरेट एसिड्स होते हैं, और 4 से 7 या 5, 6, 7 ये क्या होते हैं वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है ना, यानी कि 0 से लेकर अगर 2 की बात करें वो स्ट्रोंग एसिड्स होंगे, स्ट्रोंग एसिड्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें 2 से 5 की तो ये मॉडरेट एसिड होंगे, अगर बात करें 5 से 7 की तो ये स्ट्रोंग एसिड्स होंगे। तो इस तरह से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारे न्यूट्रल क्या होते हैं, बेसिक क्या होते हैं और एसिडिक क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के आलो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।